तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने बनाया है एक एक्सटेंशन बोर्ड। जैसा कि दोस्तों अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ इस तरीके का मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाया है। दोस्तों इसमें बनाने में क्या क्या मैंने कंपोनेंट्स यूज़ किए, कैसे इसकी वायरिंग की है, क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं इसमें, इसका सर्किट डायग्राम कैसा है, क्या क्या इसमें सामान लगा है, कितने में बनाया, जो भी चीज़ें हैं दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को पता लग जाएंगी। तो दोस्तों प्लीज़ यार इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी ज़रूर देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगा इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको सिर्फ कुछ सामान का ज़रूरत होगा, कुछ इस तरीके का। मैं दो पिन, जैसे दो सॉकेट्स यूज़ कर रहा हूँ, 5 पिन सॉकेट आप इसमें बोल सकते हो, मैं दो सॉकेट्स यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, जैसे 3 भी आप यूज़ कर सकते हो, 4 भी यूज़ कर सकते हो, एक सॉकेट अगर आपको लगता है कि एक सॉकेट आपके लिए काफ़ी है तो आप एक सॉकेट का यूज़ भी कर सकते हो। मैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए 2 सॉकेट्स यूज़ कर रहा हूँ, 2 पिन सॉकेट वायर कनेक्टर इसे हम बोलते हैं, मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि हम अपने एक्सटेंशन बोर्ड को AC सप्लाई देने वाले हैं, तो इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। कुछ वायर हमें चाहिए होगा, मैं 10 मीटर लंबा वायर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो 10 मीटर लंबा वायर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसे डबल वायर भी बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके का आप अगर आप चाहो तो दोस्तों ज़्यादा वायर भी यूज़ कर सकते हो, 20 मीटर यूज़ कर सकते हो, 15 मीटर यूज़ कर सकते हो, 5 मीटर वायर भी यूज़ में ले सकते हो, ठीक है, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। कुछ इस तरीके की हमें SPST स्विचेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये दोस्तों हैवी क्वालिटी का SPST स्विच मैं यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज हमें AC में काम करना है तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का स्विच होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 पीस मैं स्विचेस का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और साथ ही में हमें ज़रूरत पड़ेगी रजिस्टर्स की। 2 रजिस्टर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, दोनों की रजिस्टर्स की जो वैल्यू है वो है 330 के ओम, 330 के का रजिस्टर आप इसे बोल सकते हो, 330 के ओम का रजिस्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो भी दो, ठीक है। 2 LEDs हमें चाहिए होंगी, 2 LEDs कुछ इस तरीके की मैं आपको दिखा रहा हूँ, रेड कलर की LED, कोई भी कलर की LED आप यूज़ कर सकते हो। एक फ्यूज़ होल्डर हमें चाहिए होगा, 2 फ्यूज़ चाहिए होगा, F500 mA 250 वोल्ट का 2 फ्यूज़ हमें चाहिए होंगे, ठीक है। साथ में एक मोबाइल फ़ोन चार्जर भी हमें चाहिए होगा, क्योंकि हमें यार जो मैं एक्सटेंशन बोर्ड बना रहा हूँ वो कुछ इस तरीके का है कि हम उससे मोबाइल फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं डायरेक्ट USB पोर्ट से, ठीक है। तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन चार्जर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मोबाइल फ़ोन चार्जर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन चार्जर का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके घर में कोई अगर एक्स्ट्रा मोबाइल फ़ोन चार्जर पड़ा होगा तो आप उसका यूज़ में ले सकते हो। ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर सर्किट डायग्राम। दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हो ना, इसी डायग्राम को फॉलो करके आज मैं बनाने वाला हूँ वो प्रोजेक्ट एक्सटेंशन बोर्ड। तो प्लीज़ दोस्तों आप भी इस डायग्राम को अच्छे से फॉलो कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इस डायग्राम को एकदम अच्छे से देख सकते हो। दोस्तों मैंने कार्डबोर्ड की शीट ली है, उसके ऊपर मैंने कुछ इस तरीके के दो जो हमारे सॉकेट्स थे, 2 सॉकेट्स थे 5 पिन सॉकेट के, जो 2 सॉकेट थे हमने उन दोनों ही सॉकेट्स को मैंने इस कार्डबोर्ड की शीट के ऊपर अच्छे से फिक्स कर दिया हुआ है स्क्रूज़ की मदद से। आगे मैं हॉट ग्लू से भी फिक्स कर दूंगा। स्विचेस लिए थे मैंने, 3 SPST स्विच लिए थे, उन तीनों स्विचेस को मैंने फिक्स कर दिया हुआ है हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो हम बनाने वाले हैं। कार्डबोर्ड की शीट के ऊपर मैंने फिक्स कर दिया। पीछे की तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारा जो मोबाइल फ़ोन चार्जर का बोर्ड था, सर्किट बोर्ड था, मैंने उसको इस तरीके से लगा दिया, USB पोर्ट बाहर निकाल दिया, रजिस्टर लगा दिया, LED लगा दी। तो सब चीज़ें मैंने कंपोनेंट्स को एक बार के लिए अच्छे से मतलब बोर्ड के अंदर फिक्स कर दिया। इनकी वायरिंग भी मैं अब जल्द करने वाला हूँ, तो आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये जो रेड वाला वायर है वो है लाइव के लिए, और जो ब्लैक वाला वायर है वो न्यूट्रल के लिए। डायग्राम में भी दोस्तों सेम ऐसा ही है, जहाँ जहाँ आप रेड कलर की लाइन जहाँ जहाँ आप देख रहे हो ना, वो है लाइव वायर, ठीक है, और जो ब्लैक वाला वायर है वो है न्यूट्रल के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसकी वायरिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा वायरिंग का काम पूरा कर दिया हुआ है। जो न्यूट्रल वायर है दोस्तों हमें कॉमन पे रखना होगा, यानी कि जितना भी न्यूट्रल वायर है ना शुरू से लेकर एंड तक वो सब कॉमन रहेगा। जैसे पहले न्यूट्रल वायर गया सॉकेट में, फिर दूसरे सॉकेट, फिर पहले सॉकेट से दूसरे सॉकेट में गया, फिर दूसरे सॉकेट से USB पोर्ट पर गया, मतलब न्यूट्रल वायर जो है कॉमन रहेगा। जो लाइव वायर है हमें लाइव वायर को हमें स्विचेस पे लगाना होगा, ठीक है, मतलब जो हमारा स्विच है ना वो स्विच हमारा लाइव वायर के बीच में रहेगा, तीनों स्विच हमारे लाइव वायर के बीच में रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसकी डायग्राम, अगर आप डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हो, फॉलो करोगे, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, क्या 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 मतलब डायग्राम में कैसे कैसे बनाना होगा, ठीक है, सर्किट कैसे बनेगा। तो मैंने इस तरीके से मैंने एक इंडिकेटर लाइट निकाल लिया हुआ है, जो कि सीधा ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाते ही काम करेगा। इसके लिए कोई भी स्विच नहीं है, ये जस्ट इंडिकेटर हमें ये करेगा कि हमारे बोर्ड को सप्लाई पहुंच चुकी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसका डिज़ाइन बनाया है, आप देख सकते हो, स्विचेस लगा दिया, USB पोर्ट लगा दिया, LED लगा दी, वायरिंग भी मैंने कर दी। दोस्तों ये हमारा मोबाइल फ़ोन चार्जर था, इसको मैंने क्या किया, सिंपली इस तरीके से खोल दिया, और इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उसको मैंने निकाल कर, सॉरी चार्जिंग मॉड्यूल था, चार्जिंग बोर्ड भी हम इसे कह सकते हैं, उसको मैंने निकाल कर फिक्स कर दिया, और जो USB पोर्ट था उसको सामने की तरफ बाहर को रख दिया। कुछ इस तरीके से मैंने इसको बनाया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों साइड के ऊपर, अगर हम इसकी साइड भी मैंने बना दी, जहाँ पर हमने USB
जैसे मैंने आपको दिखाया था एक एलईडी लाइट है हमारी, जैसे आपने वहाँ पर देख सकते हो एक एलईडी लाइट लगी हुई है, ये हमारी इंडिकेटर लाइट है जो कि हमें ये इंडिकेट करेगी कि हमारी बोर्ड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल चुकी है। दूसरी तरफ है हमारा एक फ्यूज़ होल्डर जिसके अंदर हमने लगाया हुआ है एक फ्यूज़। ठीक है दोस्तों, मैंने उसी तरीके से मैंने कर दी इसकी वायरिंग, जो भी इसमें मैंने कंपोनेंट्स थे सब कुछ मैंने अच्छे से फिक्स कर दिया हुआ है ग्लू की मदद से। आप देख सकते हो ग्लू गन की मदद से मैंने कितने अच्छे से इसको जो भी पार्ट्स थे इसके सब कुछ को अच्छे से फिक्स कर दिया, क्योंकि यार ये एसी का काम है, मैं नहीं चाहता कि कोई रिस्क हो इसमें, तो कोई भी वायर लूज़ हो जाए या फिर कोई भी कंपोनेंट में शॉर्ट सर्किट हो जाए, इसीलिए मैंने अच्छे से सभी कंपोनेंट्स को अच्छे से फिक्स किया हुआ है। जैसा कि आप सर्किट डायग्राम को फॉलो करके देख सकते हो, एकदम अच्छे से आपको डायग्राम को सीखना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप इसे बना पाओगे। तो चलिए दोस्तों अब इसकी टेस्टिंग के ऊपर आ जाते हैं। मैं इसको दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगा देता हूँ, 220 वोल्ट एसी में अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है मैं वहाँ लगा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये काम नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों हमें इसमें फ्यूज़ भी लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर आप इसको बोर्ड में लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा, अगर आप इसमें बिना फ्यूज़ के चलाते हो ना तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि फ्यूज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर फ्यूज़ नहीं होगा तो हमारा जो सर्किट है वो सर्किट भी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ दोस्तों फ्यूज़ के बिना प्लीज़ यार इसको मत चलाना, फ्यूज़ के बिना वैसे चलेगा भी नहीं, करोगे भी कि आप चलाकर, कुछ इस तरीके से आपको इसे फ्यूज़ को लगाना पड़ेगा फ्यूज़ होल्डर के अंदर जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्यूज़ लगाते ही हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप डायग्राम को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि बिना फ्यूज़ के काम नहीं करेगा, क्योंकि यार बिना फ्यूज़ के तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा। तो मैंने फाइनली दोस्तों इसकी जो फिनिशिंग है उसकी जितनी भी बॉडी थी मैंने अच्छे से बना दी, जो भी आप देख सकते हो मैंने कंपोनेंट्स थे सब कुछ अच्छे से मैं आपको सर्किट डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया, कैसे वायरिंग करनी है, क्या क्या मैंने इसमें किया है सब कुछ आपको पता लग गया होगा। अब यहाँ पर मैंने वायर लिया जो इसको टू पिन वायर जो है हमारा, इसको मैं जो टू पिन सॉकेट है इसको मैं लगा देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, और अब देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। हम इसकी टेस्टिंग करते हैं बेसिकली, जैसे मैंने तीन स्विच लगाए हैं, एक यूएसबी पोर्ट लगाया है, दो सॉकेट लगाए हैं, ये सब जो चीज़ें हैं इनकी वायरिंग है, एलईडी लाइट है, फ्यूज़ है, क्या ये सब कुछ जितनी भी चीज़ें हैं सब क्या अच्छे से काम कर रही है या फिर नहीं, इस चीज़ की अब टेस्टिंग की बारी आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसको दोस्तों एसी सप्लाई दे दिया हुआ है, और अब देख सकते हो कि हमारा इंडिकेटर लाइट जो मेन इंडिकेटर लाइट है वो ऑन हो चुका है। अब मोबाइल फ़ोन चार्ज करके देखते हैं कि क्या हमारा मोबाइल फ़ोन चार्ज इससे चार्ज होता है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो एसी सप्लाई इसमें आ रही है, और आप देख सकते हो हमारा मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहा है। तीसरा वाला दोस्तों हमारा यूएसबी पोर्ट है, अब उसकी भी चेक कर लेते हैं कि क्या वो भी हमारा काम कर रहा है या फिर नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पर यूएसबी केबल लगा देता हूँ एक, ये देखिए, तो जैसे मैं यूएसबी केबल लगाता हूँ तो और स्विच ऑन करता हूँ साथ के साथ हमारा मोबाइल फ़ोन चार्ज होना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ जो यूएसबी वाली इंडिकेटर लाइट है वो भी ऑन हो जाती है, ये इंडिकेटर करते हुए कि हमारा मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़, ऐसे और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ लेकर आता रहूँगा मैं आप लोगों के लिए। वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।